कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो गाइस आपका जो डायल पीड वगैरह रहता है, यानी कि जो टच साउंड बोला जाता है, जिनको अगर आप यहाँ पे गाइस कुछ भी टच करते हैं ना तो आपको यहाँ पे टच साउंड सुनाई देता है, ठीक है, आपके फ़ोन के अंदर। तो ये आप गाइस कैसे इसको सेट कर सकते हैं। तो गाइस इसकी सेटिंग के लिए गाइस आप कुछ नहीं करना पड़ेगा गाइस, उस बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग के अंदर जाना है और जो आपकी डायल पीड वाली मतलब जो टच साउंड रहती है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो हम सेटिंग के अंदर आ जाते हैं। तो गाइस सेटिंग के अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पे आपकी सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं साउंड के रिलेटेड, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे साउंड के रिलेटेड आपको सारी सेटिंग देखने को मिल जाती है। तो गाइस ये रही आपकी वो सेटिंग जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। डायल पे टोन अगर आपको ऑफ करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। टच साउंड से गाइस अगर आपको ऑफ करना है तो गाइस यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये साउंड्स आप यहाँ पे देख लें, ठीक है। इसके बाद गाइस मैसेज सेंड साउंड अगर ये सब आपको करना हो तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये गाइस कुछ साउंड्स सेटिंग थी। टच वाइब्रेशन अगर करना चाहते हैं तो गाइस ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो टच साउंड्स वाला ऑप्शन है जो डायल पेड में जो आपकी वॉल्यूम की आवाज़ आती है वो अब नहीं आएगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।